नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हमारी 27 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं अपनी 27 जुलाई का जितना भी करंट अफेयर है उसका एक छोटा सा सेशन। इस सेशन में टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे और उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके का सेक्शन बन के आता है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को। अगर बात करते हैं रुद्रेश्वर मंदिर की, तो रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना राज्य के मुगुलु जिले के पालमपेट में स्थित है को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में यह निर्णय लिया गया है। रुद्रेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो इसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा, को भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग 2019 के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसको अभी हाल ही में 2021 में धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अगर यहाँ पर रुद्रेश्वर मंदिर की बात हुई तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखिएगा, रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण अगर कहा जाए तो 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति वेचारुला रुद्र ने करवाया था। रिंगलिंगेश्वर या रामलिंगेश्वर स्वामी इस मंदिर के पीठासीन देवता हैं। अगर कहा जाए कौन देवता हैं तो इसके रामलिंगेश्वर हो जाएंगे। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम मूर्तिकार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 40 वर्षों तक इस मंदिर में काम किया था और इनका नाम क्या था, रामप्पा, और उसी के कारण इस मंदिर का नाम भी रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। काकतियों के शासन काल के दौरान बने मंदिर परिसर की एक अलग शैली, सजावट और तकनीक है, यानी कि उच्च जो शासनकाल में चलती थी उसी के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण यूनेस्को की वर्ष 2020 की विश्व धरोहर समिति WSC की बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी और इसीलिए ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से 2020 और 2021 के नामांकन पर चर्चा की गई, मतलब दोनों की एक साथ 2021 में भी चर्चा की गई और ये बैठकें अभी हाल में वर्तमान में भी चल रही हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करते हैं विश्व धरोहर समिति के कितने सदस्य हैं, तो 21 सदस्य हैं, जिसमें चीन इस समिति का वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं स्पेशल करंट अफेयर फैक्ट की, तो ये भी देख लीजिए, हाल ही में भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल किसको चुना गया, तो रुद्रेश्वर मंदिर को। अगर बात करें कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत किसे चुना गया, तो इसे हाल ही में दो मध्य प्रदेश के जगहों को, एक हो जाएगा ओरछा, एक हो जाएगा ग्वालियर, ये हमने कल की करंट अफेयर में भी आपको डिस्कस करवाया था। हाल ही में विश्व विरासत स्थल का खिताब दिए जाने के बाद यूनेस्को ने किसे विश्व विरासत स्थल को सूची से हटा दिया गया है, तो हाल ही में लिवरपूल को हटा दिया गया है जो कि यूनाइटेड किंगडम का भाग है। हाल ही में भूमि पडोंगा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया भूमि पडोंगा उत्सव। किस स्थान पर 46 कैंपोड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई, तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। किसके द्वारा स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए फोर्टिफाइड ब्रेन राइस तेल लॉन्च किया है, तो नाफेड द्वारा लॉन्च किया गया है ये तेल। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध राजा परवा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये हमने बार बार आपको बताया कि राजा परवा हमारा त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में, जहाँ पर जगन्नाथपुरी का टेम्पल है जिसे ब्लैक पगोड़ा या सूर मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं की खोज की गई, तो ये महाराष्ट्र में है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है जो कि एक गर्भवती महिला की मम्मी है, तो ये पोलैंड, और मम्मी वही होती है किसी के भी सबको अगर किसी रसायन से लपेट कर कई दिनों तक अगर रखा जाए तो उसको मम्मी कहा जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र ने कितने किलों के लिए विश्व धरोहर स्थल के लिए टैंक की मांग की है, तो बताइएगा महाराष्ट्र ने, तो ये हो जाएगा हमारा 14 किलों के लिए इन्होंने टैंक मांगा है। और हाल ही में चर्चा में रहा अशोक स्तूप कहाँ है, तो ये हमारा लेह में है, लेह वही भाग है जो लद्दाख वाला भाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान अमित शाह द्वारा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, जो कि आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सोहरा जो कि चिरापूंजी का भाग है, में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। वृक्षारोपण और वनीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस अभियान के लिए दिया गया नारा ईवर ग्रीन नॉर्थ ईस्ट, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पूछा जाए कि इस पर नारा क्या दिया गया, तो एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट के नाम से। यह अभियान असम राइफल्स
और मेघालय द्वारा चलाया जा रहा है। चेरापूंजी में अमित शाह ने गुवाहाटी पहुंचने से पहले दो महत्वपूर्ण विकास परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने हरित सौरा वनीकरण अभियान, पहला तो ये हो जाएगा, और दूसरा ग्रेट सौरा जलापूर्ति योजना, इन दोनों का उद्घाटन भी किया है। चेरापूंजी स्थानीय रूप से इसे सौरा के नाम से जाना जाता है में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन विकास के नाम पर क्षेत्र में की गई अंधाधुंध कटाई के कारण ये कम हो गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती थी, एक मानसराम हो जाएगा, एक चेरापूंजी, लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पर अंधाधुंध कटाई चलती है जिसके कारण यहाँ पे अब वर्षा कम होती है। अमित शाह ने ग्रेटर सौरा जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया है। ग्रीन सौरा वनीकरण अभियान, अगर इसकी बात करें तो देखो, वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी, मतलब वो इसकी देखरेख करेगी। इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रों का 80% और उससे अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है, और शेष क्षेत्रों का उपयोग नर्सरी, जो होती ना छोटी छोटी बागवानी या पौधे रोपण करना, सजावटी पौधे और पशु चारा के लिए किया जाएगा। इको टूरिज्म से राज्य के स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। ग्रेटर सौरा जलापूर्ति योजना की अगर बात की जाए तो ये भी समझ लीजिए, जल जीवन मिशन पहल के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय और राज्य सरकार ने नल के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाएगी। इसी के साथ राज्य के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले कुछ परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना एक चुनौती है, जिसे ये पूरा किया जाएगा। जिसका अनावरण किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। अगर यहाँ पे करंट अफेयर की बात हुई तो उसके स्पेशल फैक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो हाल ही में ग्रीन सौरा वनीकरण अभियान किसने किया है? अमित शाह द्वारा। जलापूर्ति और वनीकरण दोनों के दोनों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहाँ हो जा रही, मतलब की जा रही है? तो नोएडा में। हाल ही में मोदी जी ने किस राज्य में एक, मतलब 1100 करोड़ की रेलवे परियोजना का लोकार्पण किया? तो गुजरात के लिए। किस राज्य में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरुआत की जा रही है? तो हरियाणा में इसकी शुरुआत की जा रही है। हाल ही में किस राज्य ने मातृ कवचम योजना शुरू की है? तो एक केरल राज्य के, और यहीं पे एक पिंक करके भी है जिसमें महिलाओं को जो भी उत्पीड़न होगी वो उसकी पुलिस को कंप्लेन कर सकती हैं। कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा संवेदन 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो IIT मद्रास और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर दोनों के संयुक्त रूप से हो रहा है संवेदन 2021। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम क्या है? तो मत्स्य सेतु हो जाएगा, मत्स्य सेतु इस ऐप का नाम। हाल ही में चर्चा में रहा निपुण भारत पहल क्या है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा पर बल देगा। प्रोजेक्ट बोल्ड हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू किया जा रहा है? तो ये राजस्थान से शुरू किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा कारगिल विजय दिवस, याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिनों की बात कर लेते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को और कारगिल विजय दिवस ये हमारा हो जाएगा 26 जुलाई को, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में पढ़ते हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। तो देखो 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय, कौन सा ऑपरेशन विजय, में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगर कारगिल विजय दिवस की यहाँ पर बात हो तो और भी कुछ पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी। कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जगाना है और बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। समारोह की बात की जाए तो समारोह देख लीजिए, विजय दिवस को सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ, जो कब हुआ था 1999 में, और कब्जा किए गए सभी पोस्टों पर फिर से अपना नियंत्रण, जो भारत सेना ने किया था, करने में अपना जीवन लगा दिया था उसके लिए। अगर बात करते हैं कारगिल युद्ध की या विजय ऑपरेशन जो हुआ था, ऑपरेशन विजय, इसके बारे में, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जो लद्दाख के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ अन्य स्थानों पर हुआ था। यह 60 दिनों से अधिक मई और जुलाई 1999 के बीच के लिए लड़ा गया था
और अंत में भारत ने अपने सभी क्षेत्रों को फिर से नियंत्रण कर लिया था, जो कहते थे पोस्ट जिनको कहा जाता है, जहाँ उनकी सेना रहती है और वो निगरानी करते हैं। तो इसमें पहले पाकिस्तानी घुसपैठ ही आ गए थे, उन सबको भगाया गया और भारत ने इन्हें पुनः अपना हासिल कर लिया। 60 दिन के लंबे संघर्ष में टाइगर हिल की जीत सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जुलाई में 26 जुलाई का कारगिल दिवस मनाया गया, तो यहाँ पे जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1 जुलाई को GST दिवस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताना कि GST किस अनुच्छेद में आती है। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे या दिवस। ठीक है, 2 जुलाई की बात करते हैं, तो देखो विश्व UFO दिवस, 4 जुलाई स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस, 6 जुलाई विश्व जूनियर दिवस, 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। जितने भी जुलाई के हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप या फिर नोट कर लीजिएगा। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 20 जुलाई को विज्ञान अन्वेषण दिवस, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई आयकर दिवस इंपॉर्टेंट है, 26 जुलाई कारगिल दिवस, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर किस देश द्वारा एक्टिवेट किया जा रहा है, या इसमें कैसे कैसे गतिविधि रहेगी, क्या क्या प्रयोग में लिया जाएगा, ये सब यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये चीन द्वारा बनाया जा रहा है हाल ही में, ये हमने आपको पिछले में भी बताया था, लेकिन डिटेल आपकी इस वीडियो में मिलेगी। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है, जिसे ठंडा करने के लिए ड्यूटोरियम या भारी जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह रिएक्टर यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। क्यों सुरक्षित होने की उम्मीद है ये भी बताया जाएगा। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है, और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट कर देता है। जैसे थोरियम है, इसके चारों तरफ अगर नमक जम जाएगा तो इंसुलेट हो जाएगा, तो इसका जितना भी विकिरण रहेगा ये बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे जनहानि कम होगी, जिससे किसी भी संभावित हिसाब में पारंपरिक रिएक्टरों की लीक की तुलना में इसे पर्यावरण पर बहुत कम विकिरण फैल सकता है। ठीक है, चूँकि इस प्रकार के रिएक्टर के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी काम करने में सक्षम होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं होगी, भारी जल की आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा, अगर बुवेई की बात करें तो बुवेई की राजधानी या रेगिस्तानी शहर को पहले रिएक्टर के स्थान के रूप में चुना गया है, मतलब सबसे पहला प्लांट यहीं पर लगाया जा रहा है। और चीनी सरकार पश्चिमी चीन के मैदानी इलाकों और रेगिस्तान में ऐसे और रिएक्टर बनाने की योजना कर रही है। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की एक टीम ने इस प्रोटोटाइप को विकसित किया है। अगर कहा जाए किसने बनाया है, तो शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स ने। थोरियम की बात करते हैं, तो थोरियम मेटल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार की धातु है। तो थोरियम एक रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव मेटल है। यह यूरेनियम की तुलना से अधिक प्रचुर मात्रा में है और काफ़ी सस्ता भी है। ठीक है, और इसका उपयोग आसान से परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। स्पेशल अगर करंट अफेयर की बात करें, तो ये भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर किस कौन सा देश बना रहा है, तो ये चीन बना रहा है। थोरियम, जिसमें लिक्विड थोरियम यूज़ होगा। हाल ही में किसने भारत का पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण MLX बनाया है, तो AIIT रोपड़, जो कि पंजाब में है, उसने बनाया है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। हाल ही में किस स्थान पर बालिका पंचायत की अनूठी पहल शुरुआत की गई, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुनारिया गांव में। हाल ही में कौन सा देश डिजिटल भूमि उपयोग डेटा का संग्रह पूरा करने वाला पहला महाद्वीप बन गया है, तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है, तो सिंगापुर ने किया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरुआत की है, तो नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी में इसकी शुरुआत की गई है। भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ पे हो रही है, तो ये सभी को पता है, कुल्लू में। मॉन्क फ्रूट वही होता है जो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेंट जिसमें पाए जाते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन ATM, तो ये गुरुग्राम गुड़गांव में खोला जा रहा है, और उसका नया नाम गुरुग्राम हो जाएगा। ग्रीन ATM मतलब अनाज निकलेगा। NTPC द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो हमारा गुजरात में। इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन किस विश्वविद्यालय में बगबंधु चेयर स्थापित करेगी, तो बगबंधु चेयर नामक अगर परियोजना आती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू की जा रही है। हाल ही में कौन 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया कोविड का,
तो ये हो जाएगा हमारा लद्दाख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ओलंपिक में टेबल या टेनिस सिंगल्स में जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? सुमित नागल बने हैं। सुमित नागल की अगर बात करें तो सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। वह 25 साल से भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने इस मैच में डेनिस स्टोमिन को हराया है। नागल ने स्टोमिन को 6-4, 6-7 और 6-8 से हराया है। इस मैच में 2 घंटे 34 मिनट, अगर कहा जाए पूरा मैच कितनी देर का हुआ तो 2 घंटे 34 मिनट का समय लगा और एयर के टेनिस सेंटर में आयोजित किया गया। कहा जाए कहाँ पे? तो एआर के टेनिस सेंटर में। अगले दौर में उनका सामना डेनियल मेदवेदेव से होगा जो दुनिया में दूसरे स्थान पर है, और अगर ये इनको क्रॉस कर जाते हैं तो ये हमारे दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। अगर जीशान अली की बात करें तो ये भी देख लीजिएगा, तो 1996 के अटलांटा खेलों में जीशान अली ब्राज़ील के फर्नांडो मेलगनई को हराकर एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। लिएंडर पेस की अगर बात करें तो लिएंडर पेस पहले दौर से आगे निकलकर दूसरे भारतीय थे। 2012 में लंदन में आयोजित खेलों में विष्णुवर्धन और सोमदेव देवन वर्मा ने प्रतिस्पर्धा की, लेकिन वे पहले दौर की बाधा पार करने में भी सफल नहीं हुए और हार गए। अगले दौर में नागल का सामना ऑस्ट्रेलिया ओपन के उप विजेता और विश्व के दूसरे स्थान पर खिलाड़ी जो कि कौन है, डेनियल मेदवेदेव, इनसे होगा। अगर यहाँ पर करंट अफेयर की बात होती है तो उसके स्टैटिक फैक्ट भी देख लो। हाल ही में ओलंपिक में टेबल टेनिस कौन जीते हैं? तो इस समय नागल बने हैं तीसरे नंबर पर। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो संदेश झंगन जी बने हैं। महिला 49 किलो में 2020 टोक्यो, जो अभी 2021 में हो रहा है लेकिन इसका नाम क्या है 2020, तो टोक्यो खेल के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर की या रजत की, तो वो हमारी चानू जी हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो झुंगई हो ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। तो मीरा भाई चानू की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे हमारी भारत की, जिन्हें मिला है रजत पदक। लेकिन अगर यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात हुई है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो खेलों में सुरक्षा के साथ साथ देश के दल में पेस अतासे की दोहरी भूमिका के लिए किसे नियुक्त किया है? तो बी के सिन्हा को। ICC द्वारा सदस्य देशों के रूप में किसे शामिल किया गया? तो हाल ही में 3 और देशों को, जिसमें है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। सारे रिलेटेड करंट अफेयर हैं और सारे रिपीटेड हैं। भारत टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने एथलीटों का दल भेजा है? तो 119 लोग गए हैं यहाँ से भारत से टोक्यो ओलंपिक के लिए। ऑस्ट्रेलिया की एसले वर्टिक ने फाइनल में किसे हराकर विंबलडन महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा ने। हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता? तो अर्जेंटीना ने। किसने विंबलडन टेबल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ए नागाव जोकोविच ने जीता है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में MA यूसुफ अली को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। लुल्लू समूह के अध्यक्ष MA यूसुफ अली को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अगर कहा जाए तो ये अबू धाबी के उप के क्राउन प्रिंस हैं। US सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर ने अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए एक नया निदेशक मंडल बनाने का प्रस्ताव जारी किया है। हेज हाइसन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में यूसुफ ली को आर्थिक विकास और परोपकार के क्षेत्र में उनके लगभग 5 दशक लंबे योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान अबू धाबी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि अबू धाबी का सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार किसे मिला है, तो ये हाल ही में यूसुफ ली को मिला है, याद रखिएगा, ये पढ़िएगा। तो अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? तो MA यूसुफ अली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? रश्मि रंजन दास को। हाल ही में राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन बने? तो मुख्तार अब्बास। रिपीट क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता कौन चुना गया? तो पीयूष गोयल जी। किसको रिप्लेस किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने बताया था पिछले सेशन में। हाल ही में ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? तो दीपक कावरा। हाल ही में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिनों के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने का आदेश पारित किया है? तो शेख बहादुर देवबा को।
आपको बताना है शेख बहादुर देवा कौन है। हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जूरी के रूप में चुना गया, तो पवन सिंह को, जो कि पहले भारतीय रेफरी बने हैं किसी ओलंपिक के लिए। हाल ही में फेसबुक ने किसको भारत के शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है, तो स्फूर्ति प्रिया को। हाल ही में इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो अभी अहमद को। हाल ही में किसे खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो नितिन गडकरी साहब जी को। हाल ही में कितने राज्य में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो 8 राज्य। ये सारे के सारे हमने पिछले सेशन में आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर जिसको ना बताओ तो पिछले सेशन देखिएगा, ये सिर्फ रिपीट हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो यांग कियांग ने जीता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस चीज़ में जीता है ये भी देख लीजिए, तो चीन की हैं ये यांग कियांग, जिन्होंने 24 जुलाई को असाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। रूस की अनास्तिया गलासिना ने रजत पदक जीता, जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टीना ने कांस्य पदक जीता है। तीनों के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिए, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जाता है यांग कियांग को। हाल ही में राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार किसे दिया गया, तो कछार जिला में दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है, तो लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत की है। हाल ही में किस पुलिंजर पुरस्कार विजेता भारतीय चित्र पत्रकार की न्यूज कवर करते समय अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई, दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई है। कौन सा फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म के निर्देशक ने पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता है, तो टाइटन ने जीता है। UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 अवार्ड किसे दिया गया है, तो हाल ही में अंधी मलाई कंपनी लिमिटेड व इसने कुंजा ट्रस्ट ने यह अवार्ड जीता है। हाल ही में किस नोबल पुरस्कार विजेता को ओलंपिक पुरस्कार दिया जाएगा, तो मोहम्मद यूनिस को। हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। हाल ही में प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो कौशिक बसु को। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW 2021 ईयर सफ ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में कौन चुने गए हैं, तो कोरियन एयरलाइन को इसके लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफ़ी डिटेल वीडियो है लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स बनाते जाइएगा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो पहले से इसमें बहुत सारे देश थे लेकिन अभी हाल ही में स्वीडन इसमें शामिल हुआ है। देखिएगा, स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है और अब वैश्विक मंच का सदस्य है, जो भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। मतलब जितनी भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, चाहे वो आपकी विंड ऊर्जा हो या सन ऊर्जा हो, लाइट ऊर्जा हो, तो उसी जैसा इसको बनाया गया है। स्वीडन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में योगदान के लिए ISA में चर्चा के लिए अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञताओं और अनुभव लाने की उम्मीद करता है। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टॉकहोम का दौरा किया था, जिसके दौरान दोनों पक्ष स्थायी भविष्य के लिए नवाचार साझेदारी की ओर गहरा, मतलब एक प्रकार से मेल मिलाप करने के लिए सहमत हुए थे। ISA को ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन सदस्य संचालित सहयोगी मंच के रूप में कल्पना की गई है। अगर बात करते हैं ISA की, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम गुड़गांव में है। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई। स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में, अगर भारत में हुई है तो ये गुड़गांव में हो जाएगी। ISA के महानिदेशक अजय माथुर हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। क्रोनर स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा है। स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, स्टीफन लफवन। करंट अफेयर की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके देख लीजिए इसका। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, तो स्वीडन हुआ है। G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की अगर वार्ता की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ, तो नेपल्स में हुआ है। अमेजन के जंगल में आग जंगल के अन्वेषण की तुलना में कितने गुना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है, तो लगभग 3 गुना एक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है। हाल में ही किसने दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया है, तो यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन संघ की अगर बात करें तो इसने इस दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण
गैसों के उत्सर्जन में कितने परसेंट की कटौती करने के लिए कानून बनाया है, तो 55% एक गैसों की कटौती के लिए कानून बनाया है। हाल ही में दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ कहाँ देखा गया है, जिसे ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है या इसी रूप में जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में देखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर कहा जाए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा किस टाइगर रिजर्व को राज्य के चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है, तो रामगढ़ के टाइगर रिजर्व को ऐसा मतलब चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। हाल ही में चर्चित पुस्तक एन ऑनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो अशोक लवासा द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो कांति वाजपेयी द्वारा इंडिया वर्सेस चीन, सुधांशु मित्तल द्वारा RSS, विमल जालन द्वारा द इंडिया स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अशोक लवासा। देखिएगा इसके बारे में पढ़ते हैं, तो पूर्व चुनाव आयोग अशोक लवासा अगर कहा जाए कौन, तो ये पूर्व चुनाव आयोग ने अन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में अशोक लवासा अपने पिता उदय सिंह और अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बताया है कि कैसे उनके पिता के सिद्धांतों ने उनके जीवन में एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य किया और हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अशोक लवासा की अगर बात करें तो इन्होंने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनने के लिए 2020 में चुनाव आयोग पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, ठीक है। अगर करंट अफेयर या स्टैटिक GK की बात करें तो ये भी देख लीजिए, तो हाल ही में चर्चित पुस्तक अन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑन अन इंडियन जनरेशन किसके द्वारा लिखी गई, तो अशोक लवासा द्वारा। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने पेल्लुकु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई यामचिली शिवाजी द्वारा। हाल ही में चर्चित पुस्तक द इंडिया स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई, विमल जालान द्वारा। हाल ही में चर्चित पुस्तक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सर्विस का चीनी अनुवाद किया गया है, इसके लेखक कौन है, तो सुधांशु मित्तल हैं। इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स विमोचन का किया गया है हाल ही में, ये पुस्तक कांति वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। चारों के चारों ऊपर भी आपको डिस्कस करवा दिए थे। PM को द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी की पहली प्रति प्रदान की गई है और इस एक किसके द्वारा लिखी गई, तो बलजीत कौर द्वारा लिखे थे। हाल ही में चर्चित पुस्तक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखे थे, तो ये अशोक चक्रवर्ती द्वारा। हाल ही में चर्चित पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये करीना कपूर द्वारा लिखी गई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किससे चुना गया है, तो नंगोम बाला देवी, रिपीट आपका क्वेश्चन है, कल भी बताया गया था, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉरवर्ड नंगोम बाला देवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। बाला फिलहाल स्कॉटलैंड में रेंजर्स विमेन FC के लिए खेलती हैं। वह फरवरी 2020 में टीम में शामिल हुई और पिछले साल दिसंबर में अपना पहला प्रतिस्पर्धी गोल कर इतिहास रच दिया। वह यूरोप की एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं। बाला मणिपुर U19 टीम का हिस्सा थी, जिन्होंने 2012 में असम में अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में भाग लिया था, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित किया गया था। उन्होंने भारत में महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मणिपुर सीनियर महिला फुटबॉल टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। यहां पे अगर स्टैटिक GK की बात करें तो ये भी देख लीजिए, तो AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो नंगम बाला देवी को। कौन 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता, तो पायल कपाड़िया ने। किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की है, तो सिरसा बंदला ने, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखा है, तो विद्या बालन के नाम पर, जो कि एक अभिनेत्री हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लुडविग गेटमैन कौन है, तो ये पैरालंपिक गेम के संस्थापक हैं। हाल ही में शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अमेरिकी ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इनकी एज बतानी है। हाल ही में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को
चिन्हित करने के लिए शिव राज्य से एक दिवस कब मनाया गया, तो 6 जून को मनाया गया। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने, तो अशोक कुमार जी बने हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नामित किया है, तो क्रिस्टिन बर्मुथ को। तसांग येन हंग ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है, किससे संबंधित है, तो ये हांगकांग से संबंधित है, हांगकांग के हैं त्यान येंग सांग ने। हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। और हाल ही में किसे विश्व बैंक का सलाहकार नियुक्त किया है, तो रंजीत सिंह दिसाले को अभी हाल ही में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल वीडियो थी, आशा करते हैं बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर सेशन पर पहली बार आए हैं, सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक करें, एक प्यार से कमेंट करें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।